नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या उपाय करें। जैसे मान लीजिए आप छात्र हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या उपाय करें, आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, शादी के लिए क्या उपाय करें, धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको सफलता मिले। शुभ मंगल सावधान में जानेंगे आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना चाहिए। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार आज का लक जानेंगे। तो पंडित जी, बहुत कुछ है, शुरू करें कार्यक्रम। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 12:48 तक चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के लिए क्या उपाय करें, ज्योतिष इसमें कैसी मदद कर सकता है। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में पूरी सफलता प्राप्त करे, चाहे वो छात्र हो, चाहे जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो हो, या वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। हर स्तर पर आदमी चाहता है कि उसे सफलता मिलती चली जाए, तो इसमें ज्योतिष क्या मदद कर सकता है? प्रवीण जी, जीवन के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे पढ़ाई वाला, विवाह वाला, धन वाला, हर हिस्से के अलग अलग ग्रह माने जाते हैं और हर हिस्से के अलग अलग ग्रह होते हैं। जब वो ग्रह अनुकूल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी सरलता से सफलता मिलती चली जाती है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए, जीवन के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। जैसे विवाह संबंध रखता है शुक्र से, शिक्षा संबंध रखती है बुध और बृहस्पति से, तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ग्रह होते हैं। उस क्षेत्र के ग्रह को मजबूत करके आप उस क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। विशेष रूप से अगर उस ग्रह को मजबूत करने के लिए आप मंत्र जप करें, मंत्रों का जप करें, देवी देवताओं का आवाहन करें, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, उसमें ग्रह आपकी क्या मदद करेंगे। पंडित जी, शिक्षा से शुरू करते हैं क्योंकि सबको एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा सबके लिए जरूरी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रह हैं, एक है बुध और दूसरा है बृहस्पति। इन दोनों के पक्ष को अगर बेहतर किया जाए तो आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक लोटे जल में जरा सी हल्दी मिलाइए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय गायत्री मंत्र का
27 बार जप करिए और सुबह ब्रश करने के बाद एक अखरोट खाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके शिक्षा की एजुकेशन की स्थिति काफी बेहतर होगी, आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से ज्ञान और डिग्री हासिल करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, उसमें ज्योतिष आपकी क्या मदद करेगा। पंडित जी, हर किसी को रोजगार चाहिए, पढ़ाई हो गई, शिक्षा की प्राप्ति हो गई और उसके बाद चाहिए नौकरी, जॉब चाहिए या अपना बिजनेस चाहिए, तो नौकरी के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? नौकरी का जो प्रमुख कारक है प्रवीण जी, वो शनि है। जब हम नौकरी की स्थिति को जानना और समझना चाहते हैं तो हमें शनि वाले हिस्से पे ध्यान देना चाहिए। आपको नौकरी नई चाहिए, आप जिस नौकरी में हैं उसी नौकरी में उन्नति करना चाहते हैं, उसी में सफल होना चाहते हैं, तो नौकरी में सफलता के लिए क्या करेंगे, रोज शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए, इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करिएगा। और ये तो शाम को करेंगे, मध्य रात्रि में 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनेश्वराय नमः। और ये प्रयोग किसी भी शनिवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर आप नौकरी में सफलता चाहते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, तो आपको कुल मिला जुला के शनि की कृपा चाहिए। अगर आपको शनि की कृपा मिल जाती है तो आप नौकरी में तरक्की अवश्य करेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी, सबसे पहले बात मेष राशि की, मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की, शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, संपत्ति का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की, बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी,
प्रेम के क्षेत्र में सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, प्रेम की बात हो या रिश्तों को निभाने की बात हो, उसमें शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि शुक्र ही प्रेम करवाता है, शुक्र ही रिश्ते चलाता है और निभाता है। तो अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके रिश्तों में सफलता हो, आपका प्रेम सफल हो, तो हर शुक्रवार को राधा कृष्ण को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिएगा और ऐसा हर शुक्रवार को करते जाइए। और शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा हर शुक्रवार के शुक्रवार करें, आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे, प्रेम में बिखराव की संभावना नहीं बनेगी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बेवजह की दौड़ भाग आज रहेगी, महत्वपूर्ण काम फिलहाल एक दो दिन के लिए टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे, करियर की बाधा आपके दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल से पहले आपको बता दें कि सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा आगे, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताएंगे कि अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके निकले ताकि आपको विशेष सफलता प्राप्त हो। इसके साथ ही शुभ मंगल सावधान देखिएगा जिसमें पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना। साथ ही ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं, तो ऐसा क्यों भी आप अवश्य देखें। सवाल की बात कर लें, यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न दिलीप शर्मा जी ने हमें लिखा है। दिलीप शर्मा जी हमें अजमेर से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री सुनीता शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं
सुनीता की जन्म तारीख है 10 जून 1996। जन्म का समय शाम को 7:10 और जन्म का स्थान है अजमेर। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, विवाह की संभावनाएं क्या हैं और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए दिनेश जी, आपकी पुत्री के विवाह का योग इसी साल के अंत में दिखता है। 2024 के अंत में आपकी पुत्री का विवाह अवश्य ही होगा, लेकिन आप जल्दबाजी में विवाह का निर्णय मत लीजिएगा। कुंडली मिला करके बहुत सोच समझ के विवाह करिएगा, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो कुंडली मिला के सोच समझ के विवाह करेंगे तो इनका जीवन बेहतर होगा। फिलहाल इनको एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके इनको पहनाएं। और दूसरा इनसे बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, विवाह की बात कर लेते हैं। शादी मान लीजिए किसी की नहीं हो पा रही है, देरी हो रही है, ऐसी स्थिति में विवाह में सफलता के लिए क्या उपाय करें? अगर आपकी कुंडली के ग्रह ठीक हैं तो सही समय पर विवाह होता है, नहीं तो बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सही समय पर शादी नहीं हो पाती है। अब आप विवाह करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं अपने विवाह के लिए या अपने किसी परिवारजन के लिए, और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? हर बृहस्पतिवार को मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाइएगा। इसके बाद इस पीली मिठाई के प्रसाद के दो हिस्से करिएगा, एक हिस्सा खुद खाइएगा और एक हिस्सा बांट दीजिएगा। ऐसा हर बृहस्पतिवार को करिए और काले रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका विवाह निश्चित समय में निश्चित तरीके से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुकदमे या वाद विवाद में, पंडित जी अगर सफलता चाहना है तो क्या उपाय करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है प्रवीण जी, कोई एक मुकदमा है सालों से चला रहा है, कोई छोटा सा विवाद है, तुरंत हल हो सकता है लेकिन हल नहीं हो पा रहा है। मुकदमेबाजी और विवाद के पीछे होता है मंगल। अगर आप किसी भी तरह के मुकदमे में या वाद विवाद में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज रात को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाइएगा। इसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर रोज ना कर सके तो हर मंगलवार की रात को करिएगा, और हर मंगलवार को मीठी चीजों का, सबसे बेहतर होगा गुड़ का, दान करिएगा। अगर आप ऐसा लंबे समय तक करें, आपकी मुकदमेबाजी, आपके विवाद हल हो जाएंगे। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम के मामले में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकता है, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, भावनात्मक समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, सबसे बड़ी इच्छा होती है सबकी कि धन खूब आए, तो धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें ताकि धन आता रहे? वैसे तो धन का मालिक, वैभव का मालिक शुक्र है, लेकिन इसमें चंद्रमा और बृहस्पति की भी बड़ी भूमिका होती है धन कमाने के मामले में। आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, आप धन का अर्जन करना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं आपको सफलता मिले, तो क्या करेंगे? गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। इन्हें अपने काम की जगह पर या धन की जगह पर स्थापित करें। रोज सवेरे उनको रुई में लगा करके गुलाब का इत्र अर्पित करिएगा और इसके बाद वही इत्र स्वयं को लगा लीजिएगा। ऐसा रोज सुबह करिएगा। इससे आपका धन प्राप्त कर पाना, धन के मामले में सफलता पाना आसान हो जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलती? ऐसा लोगों का मानना है प्रवीण जी कि बिल्ली अगर रास्ता काटे तो काम नहीं बनेगा। लोग करते क्या है कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो रुक जाते हैं कि कोई और आदमी जब आगे निकलेगा तो हम पीछे पीछे निकलेंगे। देखिए, बिल्ली के रास्ता काटने का कोई शकुन शास्त्र से या कोई साइंटिफिक ज्योतिष से संबंध नहीं है। बिल्ली जिस सोसाइटी में जाता है, जिस जगह पे जाता है, सड़क पे घूमेगी, रास्ता काटेगी, लेकिन बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ ही होता है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, जब आप मन में ये सोच लेते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है अशुभ होगा, तब अशुभ होने की संभावना होती है। अन्यथा बिल्ली के रास्ता काटने को लेकर के परेशान ना हो, उसके परिणाम बुरे नहीं होंगे। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए आप क्या उपाय करें। पंडित जी ने बता दिया आपको, शिक्षा के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आप क्या उपाय करें। पंडित जी कोई एक ऐसा सरल उपाय बताइए जिसको कर लिया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रवीण जी, ज्योतिष और जीवन दोनों चलता है सूर्य की वजह से। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य उपासना करे तो निश्चित रूप से वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा। आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिए या सूर्य देव के 21 नाम बोलिए, रविवार को सूर्य देव के लिए उपवास रखिए और उनकी पूजा करिए। यानी सूर्य देव की जितनी पूजा आप करेंगे, जितना उनके मंत्रों का जप करेंगे, उतना ही जीवन में सफलता मिलना आसान होगा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आपके रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 3, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 4, मानसिक तनाव से आज बचिएगा। नंबर 5, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 6, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। नंबर 7, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 8, रिश्तों की समस्या से सावधान रहें। नंबर 9, इस समय करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके प्रार्थना करिए। ऐसा करने से धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप भी पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अ
अगला प्रश्न हमें अमृता जी ने लिखा है, नागपुर से लिखती है, नागपुर महाराष्ट्र से। अमृता जी की जन्म तारीख है 12 जुलाई 1986, जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है नागपुर महाराष्ट्र। अमृता पूछ रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। अमृता देखिए, गलती सिर्फ एक पक्ष की नहीं है, आपको भी क्रोध बहुत आता है, धैर्य नहीं है, जिस वजह से मामला खराब हो जाता है। थोड़ी शांति से और धैर्य से अगर आप मामला सुलझाएं तो आपका मामला जरूर सुलझ जाएगा। थोड़ी शांति और थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अभी अक्टूबर 2024 तक विवादों से बचें। अक्टूबर 2024 के बाद आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और सुबह के समय रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें, आपका कल्याण होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खा करके घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपको का कोई इंटरव्यू है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का एक फूल चढ़ाकर जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज आपकी, तो गुलाबी रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अगर चिकित्सा के लिए जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, तो मिश्री खाकर जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आपको कोई खरीदारी करनी है, गाड़ी खरीदना है, जमीन खरीदना है, तो गुलाब का इत्र लगा करके जाइएगा, खरीदारी कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा, किस राशि वाले के लिए मंगलमय होगा और किस राशि वाले को सावधान रहना होगा? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए, जीवन में आगे बढ़िए और जो भी काम रुके हुए हैं उनको करने का आज प्रयास करिए। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और धन लाभ के योग बन जाएंगे। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, दुर्घटनाओं से बचना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।